नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शिवसेना की पहचान एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर की जाती है, क्योंकि इस पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की पहचान एक कट्टरवादी हिंदुत्व के नेता के तौर पर रही है। लेकिन जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा है, तब से शिवसेना की हिंदुत्ववादी छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है। इन सबके बीच राज ठाकरे ने इस मौके को भुनाने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, जहां एक तरफ शिवसेना अपनी हिंदुत्व की छवि को खो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने इस छवि को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को नया कलेवर देना शुरू कर दिया है। वैसे इस पार्टी का गठन 2006 में ही हो गया था, लेकिन सत्ता की खींचतान में अब राज ठाकरे को नए अवसर नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर विरासत की जंग छेड़ते हुए अपनी पार्टी का भगवा झंडा लॉन्च कर दिया। इस नए भगवा झंडे पर शिवाजी महाराज के शासन की राज मुद्रा को मुद्रित किया गया है। बता दें कि इस झंडे के लॉन्च के साथ ही आदित्य ठाकरे की टक्कर में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी सक्रिय राजनीति में अपनी एंट्री ली। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कहते नजर आते हैं कि महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा, ये बाला साहब ठाकरे का सपना है जिसे वो पूरा करेंगे। लेकिन इस बार राज ठाकरे ने मौके पर चौका मारते हुए अपना भगवा झंडा लहरा दिया, जिससे उद्धव की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। बता दें कि बाला साहब ठाकरे की जयंती पर शिव सैनिकों ने वचन पूर्ति जलोष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हमने अपना भगवा झंडा नहीं बदला, मेरा रंग अंदर और बाहर दोनों समान है। इसके साथ ही उद्धव ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने पर भी अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमारे दोस्त ने हमें बाला साहेब के कमरे में एक वादा किया जो एक मंदिर की तरह है, और ये साबित करने की कोशिश की कि मैं झूठा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ। इसलिए मैंने उन लोगों के साथ जाने का फैसला लिया जिनके खिलाफ हमने 25 साल तक लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, सीएम उद्धव ने 2014 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम 2014 में कांग्रेस के साथ इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि तब बीजेपी ने एक हिंदुत्व नेता के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे, जबकि पहले अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने दावा किया था कि 2014 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस तरह शिवसेना जहां एक तरफ हिंदुत्व की छवि को बचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही बयानों में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की बौखलाहट से इतना तो साफ है कि राज ठाकरे के भगवा झंडा लहराने से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।